झांसी में किसानों को मिलने वाली सब्सिडी आधारित सोलर पंप योजना पर जालसाजों ने नजरें गड़ा दी। योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करने वाले किसानों के पास ठगों के फोन आ रहे हैं और वे किसानों से अपने खाते में रुपए जमा करने को कह रहे हैं। झांसी जिले में ऐसे कई किसानों के पास फोन कॉल्स आए हैं और उनसे रुपए जमा करने को कहा गया। कृषि विभाग ने शिकायतें सामने आने पर किसानों के लिए एडवाइजरी जारी करते हुए उन्हें इस तरह के फर्जी कॉल से बचने और इनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने को कहा। आवेदन करने वाले किसान गोपाल ने बताया कि पीएम कुसुम योजना के माध्यम से सोलर पंप के लिए आवेदन किया गया। आवेदन के बाद लखनऊ से फर्जी फोन कर खाते में पैसे जमा करने को कहा गया। हमने जब कृषि विभाग में जानकारी की तो पता चला कि ये फर्जी फोन था। कृषि विभाग के उपनिदेशक एमपी सिंह ने बताया कि किसानों के पास फर्जी फोन आ रहे हैं, जिस फोन से ओटीपी लिया था उस पर मैसेज आने के बाद पैसे जमा होंगे। किसानों से कहा गया है कि ऐसे फर्जी फोन कॉल्स आने के बाद उनके खिलाफ केस दर्ज कराएं। गोपाल, क्या परेशानी थी, क्या शिकायत लेके आए थे? सर, मैंने जो है कुसुम योजना, सरकारी कुसुम योजना के अंतर्गत सोलर पंप करवाया था, उसके लिए अप्लाई आवेदन हो गया था और अभी एक महीने बाद फिर ये कॉल आई फर्जी। लखनऊ से बोल रहा था, वो कहने लगा कि पैसे जमा कर दीजिए, आपका जो है डेट निकल रही। तो हमने कहा कितना पैसा, कहने लगे कि 82,100 कुछ पैसे बता रहा था। कह रहा है जो है इतना पैसा आप जाइए इंडियन बैंक में जमा करिए। और जल्दी जल्दी फ़ोन कर रहा था, कम से कम 4-5 बार फ़ोन किया उसने। तो हम सीधे यहाँ पे चले आए कृषि विभाग, तो हमने जानकारी ली तो उनने बताया कि ये फर्जी है, अभी नहीं करना है जमा, इसलिए जो है हम यहाँ पे आए कृषि विभाग। किसान आए थे अभी आपके पास, उन्होंने क्या शिकायत? कुछ किसानों का ये कहना है कि फर्जी कॉल्स आ रहे हैं और जो सोलर वगैरह जिनका कंफर्म हुआ वो पैसा जमा करें। इसमें एक्चुअली काफ़ी पैसा जमा करना होता है, तो 2-3 किसानों का मेरे पास भी आया इस तरह से। तो हमने उनको कहा कि इस तरह जो फॉल्स कॉलें आ रही हैं उनको आप इग्नोर करें। जिस फ़ोन से आपने ओटीपी किया था उसमें अगर मैसेज आया है वो पहले हमारी ऑफिस में आके कंफर्म कर लें, तभी वो पैसा जमा करें। इस चीज़ का कॉल आ रहा है आपके पास, कौन सी योजना के तहत? मेनली तो जो पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत सोलर लग रहे हैं, सोलर पैनल लग रहे हैं 2 HP, 3 HP, 5 HP, 10 HP के किसानों के यहाँ। तो उसमें ये होता है कि एक धनराशि जब कंफर्म होता है टोकन, उसके बाद में 15 दिन में या 8 दिन में एक जो फिक्स टाइम दिया जाता है उसके पीरियड में पूरी धनराशि किसान को जमा करनी होती है, तब तो उसे उसके यहाँ प्लांट लगता है। हमारे पास जो अभी 2 लोगों का फ़ोन आया था बस। हाँ, उन लोगों ने किसानों का ही है कि फर्जी है जिससे हमने कराया, तो उस नंबर से तो उस नंबर में नहीं आया है। और फिर बाद में जब उन्होंने पूछा भी एक दो लोगों, मैंने कहा अगर कोई ऐसा करता है उस मोबाइल नंबर नोट कर लो और गलत है तो उसके खिलाफ़ कार्रवाई करिए, FIR करिएगा।